भारत के लिए विश्व कप 2023 में गेंद से धमाल मचाने वाले मोहम्मद शामी ने अब अपना रिटायरमेंट प्लान भी बता दिया है और रिटायरमेंट के बाद वो क्या करेंगे वो भी बताया है। दरअसल शमी इस वक्त क्रिकेट से बाहर है और उन्होंने नेटवर्क 18 को दिए इंटरव्यू में विश्व कप से जुड़ी तमाम बातों का जिक्र किया, तो चलिए आपको सब बताते हैं। मोहम्मद शमी अभी क्रिकेट से दूर हैं और वो चोट से रिकवर कर रहे हैं। हालांकि उन्हें ये चोट कब लगी है और कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है, पर वो रिकवरी से गुजर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आपकी उम्र तो अब 33 साल हो गई है, तो आपका रिटायरमेंट प्लान क्या है, तो उन्होंने सभी को हैरान करने वाली बात कही। उनका कहना है कि एक दिन सुबह उठकर मैं संन्यास का ऐलान कर दूंगा। इसके बाद सब कोई वहां पर चकित रह गया था। दरअसल शमी का कहना है कि जिस दिन मैं क्रिकेट से बोर हो गया उसी दिन क्रिकेट छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे किसी चीज का लोड नहीं है, मेरी फैमिली में भी कोई ऐसा नहीं है जो मुझे करियर या बाकी चीजों को लेकर समझाए। शमी आगे कहते हैं कि जिस दिन सुबह उठकर लगा कि अरे यार ग्राउंड जाना है, उसी दिन ट्वीट कर दूंगा कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं। शमी का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शमी ने भारत के लिए अभी तक 64 टेस्ट मैच में 229 विकेट हासिल किए हैं, साथ ही वनडे में भी उनके नाम 195 विकेट हैं। शमी ने भारत के लिए 23 T20 मैच भी खेले हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ जारी सीरीज में टीम इंडिया शमी को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। हालांकि उनकी चोट अब कब सही होगी और कब वो टीम इंडिया में वापसी करेंगे इस पर भी सवाल बना हुआ है। हाल ही में खत्म हुए विश्व कप में मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सबसे बड़े विजेता बनकर उभरे थे। शुरुआती कुछ मैचों में शमी को नहीं खिलाया गया, लेकिन जब मौका मिला तो शमी ने पूरी तरह से बचे हुए मैचों में तबाही मचा दी थी। अकेले ही पूरा गेम पलट देते थे वो। वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी ने सिर्फ 7 मैच खेले थे और 24 विकेट लिए और विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बने थे, लेकिन शमी अभी रिकवरी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। शमी से एक और सवाल पूछा गया कि भारत का बेस्ट कैप्टन कौन है, तो उन्होंने कहा कि धोनी मेरे लिए अब तक भारत के सबसे बेस्ट कप्तानों में से एक हैं। जब उनसे पूछा गया कि दुनिया का बेस्ट बैट्समैन के बारे में बताइए, तो उन्होंने इस बार विराट कोहली का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कोहली इस युग के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जब उनसे पूछा गया कि इस एरा में सबसे खतरनाक बैट्समैन कौन है जिसको आप भी बॉलिंग नहीं कराना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा इस वक्त सबसे खतरनाक बैट्समैन है। जब वो अपनी लय में होते हैं तो फिर चाहे कोई भी गेंदबाज उसके सामने हो वो नहीं बख्शते हैं। इस तरह का कुछ इंटरव्यू दिया मोहम्मद शमी ने अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में, और आगे कहा कि अगर लोगों की बायोपिक बनती है रिटायर होने के बाद और अगर मेरी बायोपिक बनाई गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें रोल करेगा, और नहीं करेगा तो मैं अपनी बायोपिक में खुद एक्टर का रोल करना चाहूंगा। यानी शमी अपनी बायोपिक में खुद काम करना चाहते हैं, ये मंशा उन्होंने अपनी जाहिर कर दी है कि मुझे मौका मिला तो मैं अभिनय में भी हाथ अपनाऊंगा। तो हम सबको उम्मीद रहेगी कि शमी कब एक्टिंग शुरू करते हैं और हम सब देखने के लिए बेताब रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।